Hello students, in this video we will learn about the next class of algae, that is chromophycota. Chromophycota में जितनी भी algae आएंगी अब उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे chromophyta में भी कई divisions हुए हैं color की basis पे. Chromo का मतलब होता है, chromo जो word है वो chroma word से बना है. Chroma का मतलब होता है color, color देने वाला. तो जो है chromophycota में जितने भी algae आते हैं वो सारे color दे रहे हैं, कोई ना कोई कलर आ रहा है उनसे. तो सबसे पहले बैक्सिलारियोफाइसी के बारे में अगर जाने तो बैक्सिलारियोफाइसी जो है उनको कॉमनली जो है डायटम्स बोलते हैं, और ये गोल्डन येलो एल्गी भी बोलते हैं क्योंकि ये कौन सा कलर दे रहे हैं, गोल्डन येलो कलर दे रहे हैं. अब ये गोल्डन येलो कलर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से ये कलर आ रहा होगा. तो इसमें मेन पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन एंड डायटोजैंथिन. तो ये जो पिगमेंट है फ्यूकोजैंथिन एंड डायटोजैंथिन, बीटा कैरोटीन, इन पिगमेंट्स की वजह से ही ये बैक्सिलारियोफाइट्स जो हैं वो कौन सा कलर दे रहे हैं, गोल्डन येलो कलर्स दे रहे हैं. फिर नेक्स्ट आता है कि रिजर्व फूड इसमें किस फॉर्म में है, तो फैट एंड ऑयल के फॉर्म में है रिजर्व फूड. क्लोरोप्लास्ट जो है वो बैक्सिलारियोफाइट्स का वो ज़ैंथोफाइसी क्लास. अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़ैंथोफाइसी के बारे में जब बताऊंगी तो यानी कि इसका क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेम ज़ैंथोफाइसी क्लास के तरह है. फिर सेल वॉल जो है वो सिलिका की बनी है, सिलिसियस है, सिलिका की बनी है. नेक्स्ट आता है फ्लैजेलाइज हेट्रोकॉन्टी. हेट्रोकॉन्टी का क्या वर्ड है, का क्या मीनिंग है इस वर्ड का, तो यहाँ पे हेट्रोकॉन्टी का मतलब होता है फ्लैजेला जो है वो दो टाइप का है. आइसोकॉन्टी कंडीशन होती है यानी कि अगर कई फ्लैजेला प्रेजेंट है वो तो सारे सेम है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं आइसोकॉन्टी. लेकिन यहाँ पे फ्लैजेला जो है दो फ्लैजेला अलग अलग टाइप के हैं. एक सिंपल फ्लैजेला है जिसको विप्लैश टाइप बोलते हैं, और एक वही फ्लैजेला उसी सेम ऑर्गेनिज्म में दूसरा फ्लैजेला जो है वो इस टाइप का प्रेजेंट है, ऐसे स्ट्रक्चर का है. इनको फिम्बरी बोलते हैं, इनको फिम्बरी बोलते हैं. तो ये जो है ये टाइप कहलाता है टिंसल टाइप, यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में विप्लैश एंड टिंसल दोनों टाइप के फ्लैजेला प्रेजेंट है. तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोकॉन्टी. और ये हेट्रोकॉन्टी कंडीशन जो है किस एल्गी में पाया आपने, बैक्सिलारियोफाइसी एल्गी में प्रेजेंट है. फिर अगर एग्जांपल की बात करें तो बैक्सिलारियोफाइस में डायटम्स आते हैं. इसके जो है अच्छे एग्जांपल जो है सबसे वो डायटम्स हैं. तो आई होप कि ये आपको सारे पॉइंट जो है इसके क्लियर हो गए हों.